बिग बॉस के घर में आए दिन घमासान देखने को मिल रहा है। घर दो ग्रुप में बट गया है। वही बीते कुछ दिनों पहले सुम्बुल तौकीर खान के पिता ने शो में आकर टीना दत्ता और शालीन भनोट की जमकर क्लास लगाई थी। इस बीच अब सौंदर्या ने शालीन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शालीन ने उनके और सुम्बुल के साथ सारी हदें पार कर दी है। एक एपिसोड में एमसी स्टैन सौंदर्या और अब्दू बातें करते दिखे। सौंदर्या ने अब्दू से बात करते हुए कहा, ब्रो शालीन ने मेरे और सुम्बुल के साथ सारी हदें पार कर दी और हमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और अब वो मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं और सारा दिन टास्क में बस मेरा ही नाम लेता रहा। इसका कारण था कि वो गौतम को चिढ़ाना चाहता था, इसलिए वो बार बार मेरा नाम लेता रहा। इसके बाद अब्दू ने भी सौंदर्या के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हुए कहा, अभी शालीन और टीना दोनों साथ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद टीना भी रोती हुई नजर आएगी क्योंकि शालीन सबके साथ गेम खेल रहे हैं। वही बिग बॉस ने सभी घर वालों से उन दो कंटेस्टेंट के नाम पूछे जिनका घर में कम योगदान रहा। सभी ने सुम्बुल और मान्या का नाम लिया। शालीन और टीना ने भी अपनी दोस्त सुम्बुल का नाम लिया। शालीन ने सुम्बुल का नाम तो ले लिया मगर बाद में उन्हें इस बात का पछतावा भी हुआ। शालीन टीना से बात करते हुए कहते हैं कि हम सब ने सुम्बुल का नाम लिया है। उन्हें सुम्बुल को ऐसा देखकर बहुत बुरा लग रहा है, किसी को उसकी भाषा नहीं आती है। टीना शालीन को समझाती है कि वो खुद को दोषी नहीं माने, दोस्ती है लेकिन खुद को ब्लेम करना गलत है। जिसके बाद शालीन सुम्बुल से कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बात करे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी टीना कहती है, तुम सुम्बुल को फोर्स नहीं कर सकते, अब वो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। गौरतलब है कि सुम्बुल तौकीर के साथ शालीन की नजदीकियों पर टीना दत्ता ने माना कि उनके बीच कुछ चल रहा है, जिसके बाद सुम्बुल के पिता को शो में आना पड़ा और उन्होंने शालीन व टीना को खूब खरी खोटी सुनाई। उनके पिता ने कहा था, एक छोटी बच्ची पहले ही दिन आपके गले लग जाती है, आपको उसी तरह उसे संभालना चाहिए था, लेकिन आपने उसका तमाशा बना दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बिग बॉस से बाहर हो चुकी श्रीजिता ने भी टीना दत्ता पर निशाना साधते हुए कहा था, मैं उसे कई साल से जानती हूँ, इसलिए मैं उसके असली रंग को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उसके साथ मेरा पहले का अनुभव अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है, वो हमेशा लोगों को उकसाती है। अब देखना ये है कि शो में आगे और कितने हंगामे देखने को मिलेंगे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।